सबसे पहले तो मैं आपके NRLM की टीम को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ये हमारे 5th LSDC का पहला सेशंस, नया काउंसिल फॉर्मेशन होने के बाद, नया एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स मैनेजमेंट होने के बाद जो है ना, हमने कल एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग किया था हमारे रूरल डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं उनके बारे में। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा कंपोनेंट मुझे NRI में फोकस करते हैं ना, ये तो एक एक्टिविटीज था तो ज़्यादा फोकस करना नहीं हुआ, तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं है हमें। तो मैंने सोचा एक तो नए काउंसलर साहबान से, हमारे अनिल हुदा साहब पक्का चिप से आए, हमने उन्हें बुलाया तो कुछ काफ़ी लोगों को था जो नए नए लोग हैं, जानकारी मिले। तो आप लोग भी नए नए टीम से इसमें है कि नहीं, तो पहला मेरे बारे में तो आप लोग जानते हैं, मुझे इलेक्ट्रोड के आया हूँ, 2008 से कंटिन्यूस हूँ, ये मेरा चौथा टर्म से। उन्होंने इतने ऐसे चीज़ बनाए आला, किसी काउंसलर ने अभी तक नहीं बोला होगा आप लोग, है कि नहीं। तो आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोग काम कीजिए, शेयर मतलब हमारे काशा कॉन्स्टिट्यूंसी से काउंसलर है संदन चिमत साहब, और दूसरा साहब आ रहा है हमारे तेसरू कॉन्स्टिट्यूंसी से, कितने ऐसे चीज है सारा एक PPT के जरिए। सर एक्चुअली बिकॉज आई हैव 3 PPT प्रेजेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट PPT, देन आई हैव अ सेकंड PPT एंड थर्ड PPT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई विल टेक फ्यू नॉट फ्यू 10 टू 15 मिनट्स ऑफ योर अवेलेबल टाइम सर। तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो है एक DPM है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ने थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दिया है कि हम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 12 तक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं सर। कुछ हमारे तरफ से फंडिंग पैटर्न दिया जाता है सर, समूह बन जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है, तो उसको विद इन 3 months के अंदर, बनने के बाद 3 months के बाद या 3 to 6 months। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है सर कि जैसे उनका समूह बन गया, SAC बन गया, मतलब बन गया, तो उसको कुछ 3-4 रजिस्टर मेंटेन करना होता है सर। जैसे ऊपर आप लोगों का NRLM को लेके कोई भी मिसाल, या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई मिसाल के ऊपर काम करना है, या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है, तो हर चीज़ जो है हम सब मिलके अगर काम करेगा तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए इसको सक्सेस करने का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगा कंसर्न काउंसलर्स का, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना है कि नहीं। कल को देखो ना, अभी ऐसे चीज़ को बढ़ावा देगा तो कल को बल्ले बल्ले किसको होगा, काउंसलर्स का होगा, है कि नहीं। अल्टीमेटली देखो ना, ईंटा बनाना है, किसने सोचा है लड़कियां ईंटा बना रहे हैं। कल हम लड़कियों को बोले बनावा, सबसे आसान काम ईंटा बनाओ, उन करने से या जितना होता है लास्ट चांस है कि नहीं, उसके इसमें सिक्योर की जरूरत नहीं है, सब बना सकते हैं। खेल में ना ईंटा बनाओ, छह और डायरेक्ट कैश है, जब तक ईंटा बिकता है 30-40 रुपए में, है कि नहीं। अभी जो नए हमने ये पश्चिमी SAGs बनाया, उसमें भी 3 SAG ने ये नाम दिया कि हम ब्रिक मेकिंग में काम करेंगे। ये है कि प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट हो गया, सिर्फ हम एक प्रोडक्ट पे नहीं रहेगा, लेकिन डायरेक्टर के यहाँ से सेंक्शन होकर के फिर वहीं आ गया जाएगा पिज्जा के लिए, ठीक है ना। वो पीसफुल मन जगह तो जहाँ आदमी सुकून के साथ बैठे, खाए, बात करे, और एक स्टैंडर्ड चिकअप हाँ ये फीलिंग दे उसे, ख्याल तुम बनाने के दुख से ना, एक लैपटॉप डेस्कटॉप पे सारी पेमेंट हो, लिस्ट के हिसाब से जाए, वो ज़्यादा जिसमें रेस्पेक्ट हो, जिसके अंदर वो फीलिंग जो ना उसको धुन लताएंगे सक्सेस है मेन एम्प्लॉयमेंट में। ये भी तो यहाँ सक्सेस भी अगर मशीनरी इंतजार में बचा फॉल्ट अच्छा वो वाली स्कीम्स के अंदर गति तो ना आधा सोच दो, वो चीज़ बेचारा आता खड्डा ना, उसको पैसा दिखते है जगोर जब फुला सुन लो, उसको उसका गोश दिखता है, सिर्फ उसको काट के खाना है, पक्का उसके पीछे का क्या विजन है, गवर्नमेंट क्या सोच के ये सारी स्कीम्स को लाता है। साहब एक्चुअली क्या है सर, आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन रेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूटीज, तो यहाँ भी है सर, इवन हमारे शंकु में है, लेकिन दैट इज नॉट दैट मच हाइजेनिक एंड दैट मच इनोवेटिव, तो वो हमारा है सर। उसके लिए क्या है कि हमेशा हमारे पास फंडिंग का इशू रहता है। अभी क्या है, वी हैव ऑलरेडी SAGs हु आर विलिंग टू कैरी आउट दिस दीदी कैफे कॉन्सेप्ट,